साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। विभिन्न सामाजिक एवं जाति संगठनों को सड़क पर कब उतरना पड़ता है, तो ऐसे संगठनों को सड़क पर तब उतरना पड़ता है जब जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से नहीं निभाता है, क्योंकि ये प्रशासन जिम्मेदारी को तभी ठीक ढंग से निभाता है जब उसके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव हो या कोई जाति का एंगल हो। अगर इन दोनों एंगलों के बिना प्रशासन अपना काम ठीक से करने लग जाए तो विभिन्न सामाजिक संगठनों को उनके विरोध में उतर के प्रदर्शन की जरूरत ही ना पड़े। आज मैं बात कर रहा हूं 23 फरवरी को इलाहाबाद में एक निर्भया कांड हुआ, जिसको लोगों ने निर्भया पटेल नाम दिया। क्योंकि उसका नाम डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है, इसलिए वहां के सामाजिक संगठनों ने उस लड़की को जो बीएमएस कर रही थी बनारस में, उस मेडिकल छात्रा को नाम दे दिया निर्भया पटेल। तो उसके मामले में 23 फरवरी से लेकर 28 फरवरी आज हो चुकी है, अभी तक इतने दिनों में पुलिस प्रशासन की तरफ से सिर्फ ये कार्रवाई की गई कि एक सागर यादव नाम के आरोपी को पकड़ लिया गया। इसके अलावा जो 8-9 अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। इसमें पुलिस प्रशासन ये अपने आप की पीठ थपथपा सकता है कि हमने एक और आरोपी को पकड़ लिया है, जबकि हकीकत यह है कि उस आरोपी को पकड़ा नहीं गया है, बल्कि उस आरोपी ने खुद कोर्ट में जाके सरेंडर कर दिया है। तो फिर इतने दिनों में पुलिस ने आखिर क्या किया? क्या किसी बड़े नेता का दबाव नहीं बना जिसकी वजह से पुलिस को यह केस नहीं समझ में आया? ये आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो आपको दिखाया था। उस वीडियो में दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर डीआईजी साहब इतने व्यस्त थे कि उनकी एक सामाजिक कार्यकर्ता सुनील चौधरी से बात ही नहीं हो पा रही थी। उसी वीडियो में हमने आपको यह भी दिखाया था कि किस तरीके से एसपी गंगापार नरेंद्र कुमार सिंह ये बता ही नहीं पा रहे थे कि आखिर नामजद अभियुक्तों के अलावा कितने और अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जबकि एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। तो पुलिस प्रशासन का ये रवैया हम आपको पहले ही दिखा चुके थे, और 23 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक पुलिस प्रशासन का ये रवैया है कि जब 27 फरवरी को तमाम सारे सामाजिक संगठन निकलकर सुनील चौधरी प्रदर्शन करते हैं, सरदार सेना के आर एस सिंह पटेल निकलकर प्रदर्शन करते हैं, उनके साथ में इंजीनियर सुनील पटेल पहुंचते हैं, तमाम सारे सामाजिक संगठन प्रदर्शन करते हैं, तब एसएसपी को सुध आती है कि हमें इस मामले पर मौके पर पहुंचना चाहिए। तो अतुल शर्मा इनके प्रदर्शन के बाद शाम को तकरीबन 6-7 बजे पीड़िता को देखने के लिए पहुंचे। एसपी सिटी प्रयागराज के हैं जो ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, वो भी कभी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे थे इतने दिनों में, इस प्रदर्शन के दबाव में ही वो घटनास्थल पर पहुंचे। और नरेंद्र कुमार सिंह एसपी गंगापार की क्या स्थिति है, वो भी कुल मिलाकर के कोई भी बड़ा अधिकारी, चाहे डीएम वहां के सुहास एलवाई हो या ये सब अधिकारी जिनका मैंने नाम लिया, इन्होंने किसी ने भी रेप गैंग रेप जैसी विभत्स घटना होने के बाद भी उस पीड़िता से बात करना, उसके उसके परिवार से मिलना तक मुनासिब नहीं समझा था। तो ये था सामाजिक संगठनों का दबाव जिसको बनाने की जरूरत थी। तो हम आपको बता देते हैं कि 23 फरवरी को जो प्रदर्शन हुआ उसमें सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता सुनील चौधरी के अलावा सरदार सेना के आर एस सिंह पटेल, हेल्प केयर फाउंडेशन के डॉक्टर अल्ताफ, इलाहाबाद जन कल्याण समिति के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, ये सारे सामाजिक संगठन मौजूद हुए। एसएसपी कार्यालय का घेराव इन्होंने किया और अड़ गए कि जब तक एसएसपी नहीं आएंगे तब तक हम किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो पहले आप छोटा सा वीडियो देख लीजिए कि किस तरीके से वहां तमाम सारे सामाजिक संगठनों की पुलिसकर्मियों से बहस हुई। सबके पास समय है, किसी के पास समय नहीं है सुनने के लिए। कल मैंने बात किया था आईजी महोदय से, एसपी महोदय से, 24 घंटे का समय मांगा उन्होंने, आज 10 बजे 24 घंटे पूरा हो गया। ये वीडियो आपने देख लिया, अब हम एक वीडियो और आपको और दिखाते हैं जिसमें सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर एस सिंह पटेल उस पीड़िता के एक पारिवारिक से बात कर रहे हैं, जिसमें वो बता रहा है कि किस तरीके से झूसी थाने के एसआई धर्मेंद्र यादव ने उसका फोन छीना, उससे जबरन पासवर्ड लिया और उसमें वो तमाम सारे वीडियो डिलीट कर दिए गए जो उस घटना से जुड़े हुए थे, तमाम सारे वो ऑडियो डिलीट कर दिए गए जिसमें उस लड़की ने अपने घर वालों से बात की थी और उसकी ऑडियो रिकॉर्ड कर लिए गए थे। तो झूसी थाने के एसआई धर्मेंद्र यादव पर जरा आरोप लग रहे हैं, तो आज तक इस घटना के इतने दिन बीतने के बाद भी उसको निलंबित क्यों नहीं किया गया? जब उसके परिवार के लोग सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं तो उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, कोई जांच क्यों नहीं बिठाई गई? तो इससे पहले आप यह सुन लीजिए कि पीड़िता के परिवार से जुड़े हुए उस व्यक्ति का आरोप क्या है। जो है जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है वो आपत्तिजनक हालत में था, उसका हम लोगों ने पूरा वीडियो बनाया गाड़ी में बैठाते समय तक, उसके बाद सिपाही ने एसआई को बताया
एसआई ने मोबाइल छीन लिया और भांजे से पासवर्ड जबरदस्ती खुलवा करके मोबाइल का लाभ। एसआई का नाम एसआई धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव ने आपत्तिजनक हालात का जो वीडियो था आपके मोबाइल में, मोबाइल आपसे छीन कर आपको धमकाते हुए पासवर्ड मांग कर उसको डिलीट कर दिया, वीडियो को डिलीट किया जो हमारा साक्ष्य था, वीडियो को डिलीट कर दिया। और भी उसमें कॉल थी, वॉइस कॉल थी, जैसे उनके बिटिया फ़ोन कर रही थी हमको, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं मार डालेंगे, पूरी वॉइस कॉल भी पूरा डिलीट कर दिया धर्मेंद्र यादव ने। धर्मेंद्र यादव, इसलिए हम इन संगठनों के अलावा कुछ और सामाजिक संगठनों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सुहास एलवाई जो डीएम है प्रयागराज के, उनके घर पर जाकर प्रदर्शन किया और एडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें संदीप वर्मा प्रोक्टर का नाम है जो छात्र नेता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, नितिन वर्मा का नाम है जो राष्ट्रीय महासचिव है कुर्मी कल्याण समिति के, विजय पटेल हैं जो जिलाध्यक्ष हैं किसान क्रांति सेना के, और डॉक्टर विजय सिंह पटेल हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कुर्मी कल्याण समिति के। इसके अलावा अजय विश्वकर्मा हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वकर्मा महासभा के। ये सभी लोग पहुंचे प्रदर्शन करने के लिए और ज्ञापन देने के लिए। कहीं प्रशासन में ये भेदभाव उजागर होता है, एक व्यक्ति लखनऊ में एक घटना घटती है और 24 घंटे के अंदर डिप्टी सीएम जाता है, उसके घर सत्तावना देता है, 40 लाख रुपए उसको दे के आता है, लेकिन एक बैकवर्ड समाज की बेटी आज उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। मैं प्रदेश में बैठे हुए जितने भी मंत्री पदाधिकारी हैं, मैं उनको आह्वान करता हूं कि आज तक कितने लोगों ने आकर के देखा है कि जो है अस्पताल में वो बच्ची मर रही है कि नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके जो है जीवन के लिए कोई सुरक्षा का उपाय नहीं है। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? ऐसे सबका साथ सबका विकास होता है? घोर खुल करके जातिवाद हो रहा है इस सरकार का, और इस आने वाले चुनाव में हम लोग अच्छी तरीके से जो है योगी और मोदी को दोनों लोगों को अवगत करा दूंगा कि मतलब क्या होता है। हमारे संगठन की आगे की रणनीति यही है कि हमारा संगठन अगर 1 तारीख के पहले अगर इन लोगों ने सारे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया तो 1 तारीख से हमारा संगठन उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। सारे सामाजिक संगठनों के दबाव से अभी तक हुआ क्या? अभी तक ये हुआ कि एक की गिरफ्तारी सागर यादव की पहले ही हो गई थी, एक पासी समाज के व्यक्ति ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, उसके अलावा पुलिस के हाथ में सिर्फ इतना लगा कि उसने कहा कि हमने 4-व्हीलर बरामद कर ली है, जिस 4-व्हीलर में उस लड़की का अपहरण किया गया था और उसको पूरे शहर में घुमाया गया था और उसके चेहरे को पूरा सिगरेट से दाग दिया गया था और 7 या 8 लोगों ने जो लड़की ने आरोप लगाए हैं उसके साथ गैंगरेप किया गया था। तो आप खुद सोचिए कि अगर सामाजिक संगठनों का दबाव ना हो तो योगी की पुलिस किस तरीके से बर्ताव करती है। यहीं पर भूमिका बढ़ जाती है समाज के उन नेताओं की जो समाज के नाम पर राजनीति करते हैं और अलग अलग पार्टियों से इस बात को लेकर डीलिंग करते हैं कि हमारे पास तो फला पार्टियों का वोट है, तो चूंकि वो लड़की पटेल समाज से आती है तो सबसे पहली जिम्मेदारी बनती थी पटेल समाज के नेताओं की, क्योंकि अगर आप जाति के आधार पर ही वोट मांगते हैं तो जाति के व्यक्तियों के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार हो रहा है तो पहली जिम्मेदारी उस समाज के नेताओं की बनती है। इसलिए सुनील चौधरी से लेकर तमाम सारे लोग लगातार अनुप्रिया पटेल की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के नेता हों चाहे नरेश उत्तम हो चाहे राकेश सचानो, कोई भी नेता जो उसमें राजनीति करने वाले हैं उनके वहां पहुंचने पर सवाल न पहुंचने पर सवाल उठाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में 2 मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा स्वतंत्र देव सिंह के वहां ना पहुंचने पर सवाल उठाते रहे हैं। हमें जो सूत्रों से खबर लगी है उसके अनुसार सिर्फ आरके वर्मा जो विश्वनाथगंज से विधायक हैं वो मौके पर पहुंचे, नागेंद्र पटेल जो सपा के विधायक हैं फूलपुर से वो मौके पर पहुंचे। इसके अलावा समाज के नाम पर राजनीति करने वाले कोई भी नेता वहां नहीं पहुंचे। अब मैं नेताओं की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर वहां पर सत्ता से जुड़े हुए लोग पहुंचते हैं, दबाव बनाते हैं, तो निश्चित रूप से अभी तक हमलावरों की गिरफ्तारी भी हो जाती और उस महिला को जरूरी जो चीजें हैं वो भी उपलब्ध करा दी जाती। नेताओं के शोर शराबे से हो हंगामे से कितना फर्क पड़ता है, ये मैं एक उदाहरण बताता हूं। विवेक तिवारी जो एप्पल कंपनी का एरिया मैनेजर था, यह आरोप लगाया गया कि एक पुलिस वाले ने उसको गोली मारी है, पूरा मीडिया जुट गया विवेक तिवारी के परिवार के प्रति सिंपैथी हुई, मुझे भी सिंपैथी है, लेकिन अगर उसमें जाति एंगल नहीं था तो क्या वजह थी कि उस मामले में तुरंत मुआवजा दिया गया, तुरंत पीड़ित परिवार को फर्स्ट क्लास ऑफिसर की नौकरी दी गई, इस तरह की सुविधाएं दी गई जितना शहीदों के परिवार को भी नहीं दिया जाता है जिसके नाम पर ये सारी पार्टियां राजनीति करती हैं। तो अगर उसी तरीके का दबाव इस तरीके की घटनाओं पर कम से कम उन्हीं के जाति के नेता अगर बनाने लग जाएंगे तो स्वाभाविक है कि सबको इंसाफ और न्याय मिल पाएगा, और खासतौर से ऐसे मामले में जिसमें एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है उसमें तो सबको आगे बढ़कर आना चाहिए था और कम से कम इस पर प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए था। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि नेता केवल व्हाट्सएप पर ट्वीट कराते रह गए अपने चमचों से, अपने गुलामों से कि देखिए मैंने तो गृह सचिव से बात कर ली, मैंने तो एसपी से बात कर ली, लेकिन हकीकत यही है कि कुर्मी समाज की बात करने वाला कोई भी बड़ा चेहरा अभी ना पीड़िता से मिलने पहुंचा ना उसके घर वालों से मिलने पहुंचा।
हम धन्यवाद देते हैं मेडिकल के उन छात्र छात्राओं को जिन्होंने जाति धर्म से परे होकर के ये रैली निकाली और उसमें संदेश देने की कोशिश की, डोंट वेट टिल योर डॉटर्स और सिस्टर इज रेप्ड, यानी कि आप तब तक इंतजार करोगे क्या जब तक कि आपकी बहन बेटी के साथ इस तरह की कोई विभत्स घटना नहीं हो जाती। सुनने में जरूर खराब लगता है लेकिन स्थिति हकीकत में यही है कि हम इंतजार करते हैं कि जब आपदा हमारे ऊपर आएगी तब हम उठ करके खड़े होंगे, बगल वाले के साथ कुछ हो रहा है तो उसको होने दो। तो ऐसे में अगर नेता अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते हैं तो हमको उनको फेसबुक से लेकर ट्विटर पर कोसने की बजाय अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, और उस जिम्मेदारी के तहत तमाम सारे सामाजिक संगठनों को इस तरीके के मामलों में जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ में पुलिस पर प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए, अन्य सारे लोगों पर दबाव बनाना चाहिए ताकि इस घटना की सच्चाई सामने आए, इस घटना में जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो पाए और पीड़िता को न्याय मिल पाए। जी की सरकार पर तमाम सारे लोगों ने पहले भी आरोप लगाए हैं कि ये जाति देखकर मुआवजा देने वाली सरकार है, तो अगर योगी जी ऐसा नहीं है तो इन सारे सामाजिक संगठनों के लोग जो वहां पहुंचे थे साझा विरासत को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों ने मांग की है कि पीड़िता को 50 लाख मुआवजा दिया जाए, उसके परिवार को सुरक्षा दिया जाए, पीड़िता को नौकरी दी जाए और इतना ही नहीं जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी भी की जाए। इसमें कौन सी ऐसी मांग है जो गलत उठाई गई है? अगर उस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है तो फिर क्यों नहीं उस लड़की को नौकरी दी जानी चाहिए सरकार की तरफ से? पहले भी इस तरह की घटना हुई है जिसमें आपने किसी भी एंगल से सही, चाहे वो जाति का एंगल हो, कोई भी एंगल हो, उस एंगल के तहत आपने नौकरियां भी बांटी हैं, करोड़ों करोड़ मुआवजा भी बांटा है, तो इस मामले में आखिर पीछे क्यों? तो इस मामले में पीछे इसलिए क्योंकि ये फैक्ट बात है कि जिस समाज का कोई अगुआकार नहीं होता उस समाज की स्थिति ऐसी ही होती है। इसमें मैं एक अपील और करता हूं संपूर्ण पिछड़े वर्ग से कि इसमें जिम्मेदारी केवल कुर्मी समाज के पटेल समाज के नेताओं की नहीं है, ना ही उनके संगठनों की है। अगर हमें साझा लड़ाई लड़नी है, साझा विरासत को दिखाना है, बहुजन और पिछड़ों की बात करनी है तो सारे जाति के संगठनों को एक होना पड़ेगा, सारे जाति के पिछड़े वर्ग के नेताओं को, दलित वर्ग के नेताओं को इस मामले में आवाज उठानी होगी और इस पीड़िता को इंसाफ दिलाना होगा। यही साझी विरासत हमें आगे ले जाएगी क्योंकि राजनीति का क्या हाल है वो तो हम देख ही रहे हैं। आप देखते रहे नेशनल जनमत, हमारी कोशिश है कि इस मामले में पीड़िता को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है।